अध्यक्ष महोदय, यह सदन, यह मजलिस ईंट पत्थर से बनी सिर्फ एक इमारत नहीं, यह लोगों का मजमा नहीं है, यह लोकतंत्र की वो ऊर्जा भूमि है जहां देश की धड़कनें आपके विचारों और आवाज में गूंजती है। यहां आपके माध्यम से लोगों के सपने और आशाएं सच में बदलते हैं। यहां अलग अलग विचारधारा और दलों के सदस्य देश में लोकतंत्र, विकास और शांति के लिए सामूहिक संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ महीने पहले मालदीव के लोगों ने एकजुट होकर दुनिया के सामने लोकतंत्र की एक मिसाल कायम की। आपकी वो यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन मालदीव ने दिखाया, आपने दिखा दिया कि जीत अंततः जनता की ही होती है। यह कोई मामूली सफलता नहीं थी, आपकी यह कामयाबी दुनिया भर के लिए एक मिसाल और प्रेरणा है। और मालदीव की सफलता पर सबसे अधिक गर्व और खुशी किसी को हो सकती थी, उत्तर स्वाभाविक है, आपके सबसे घनिष्ठ मित्र, आपके सबसे नजदीकी पड़ोसी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत। आज आपके बीच मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मालदीव में लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत और हर भारतीय आपके साथ था और साथ रहेगा।